मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों के शहर अयोध्या में हल्की सी बारिश ने विकास की पोल खोल कर रख दी है। लगभग 32,000 करोड़ रुपए की योजनाएं रामनगरी में संचालित हैं, लेकिन उसी रामनगरी में राम मंदिर से मात्र 200 मीटर दूरी पर ये जलवानपुरा मोहल्ला है। यहाँ लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बीते दिनों जब मुख्य सचिव यहाँ आए तो उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया कि 15 दिन के अंदर ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन दूसरी बारिश में जलवानपुरा की ये स्थिति है कि यहाँ नगर निगम ने 2 ट्रैक्टर संचालित किया है। 2 ट्रैक्टर से जलवानपुरा के लोग सड़क तक आते हैं और वहाँ से फिर जाते हैं। हमारे साथ एक फैमिली है जिसका घर बीते 3 दिनों से 5-5 फीट पानी है। भैया क्या समस्या? भैया समस्या यही हो रही है कि बारिश का पानी काफ़ी हद तक यहाँ पे चढ़ गया है। 3-3 फीट पूरा रोड पे पानी है, ठीक है, और घरों में 4-4 फीट पानी है, और यहाँ पे लाइट भी चली गई है, जिसके वजह से कोई भी व्यवस्था हमारे घर में बची नहीं हुई है कि जिसका हम उपभोग कर सकें, ठीक है ना, खाने की ना पीने की, सारी अव्यवस्था हो चुकी है। और ये आप पूरा मोहल्ले में देखेंगे, यही हाल पूरे मोहल्ले का है, ठीक है। अच्छा, नगर निगम ने यहाँ पे ट्रैक्टर भी चला रहा है? नगर निगम ने ट्रैक्टर जरूर चला दिया है, लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं है। ट्रैक्टर चलाने से क्या है, वो तो हम भी बाइक लेके भी जा सकते हैं, पैदल भी चले जाएंगे, पानी में ही चले जाएंगे, उसकी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जो हमारे घर में ही पानी हो गया तो हम क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या रहेगा आदमी। यहाँ पे समर जो भी आदमी के घर में टुल्लू पंप है वो भी गंदा पानी उठा रहा है, ये समस्या है। पानी जब भर जाएगा तो कहाँ से नल पानी कहाँ से देगा, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ। बीते दिनों जब मुख्य सचिव यहाँ आए थे तो आप लोग से ये बताया गया होगा कि हाँ इतने दिनों में प्रमुख सचिव आए थे, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कमिश्नर और नगर आयुक्त साहब भी थे, सभी लोग वहाँ पे थे उनके साथ में। उन्होंने ये बोला था कि ये पिछले हर हाल में इसको 10 दिन के अंदर इसको सॉल्व कर दिया जाएगा और पानी नहीं भरेगा। लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं, आपके सामने हैं सारी चीज़ें, क्या स्थिति है यहाँ, ये सब केवल कहने की बातें हैं। हालांकि हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। अंकल क्या प्रॉब्लम? भैया वही प्रॉब्लम जो ये बता रहे हैं, वो पाइप बिछाए हैं, वो सामने आपके सामने हैं, देख लीजिए मोटी मोटी पाइपें हैं, यहाँ से लेकर बाहर गए पानी निकासी के लिए, लेकिन एक पैसे का काम नहीं हुआ। सरकार पैसा डूब गया है लेकिन एक पैसे काम नहीं हुआ। पता नहीं कैसे बनाए हैं, ऊंच नीच कैसे क्या कि पानी निकाल। क्या समस्या हो रही है आप? और ये समस्या भैया, पानी भरा हुआ है, बाहर भरा हुआ है, घर में भरा हुआ, निकासी कोई व्यवस्था नहीं। यही समस्या निकासी हो जाए हम लोग बहुत आनंदित हो। लेकिन इसी अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजना, लाख करोड़ है, किस काम का है हमारे किस काम का है, हमारे मोहल्ले वासियों किस काम का है, किस काम का है? इतने दिन से इतने प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई वही नहीं, पानी नहीं निकाल पा रहा है। वो देखिए ना पाइप बैठी है, क्या उसका कोई सुनने वाला नहीं है? हम लोग वही पानी परेशान है, बच्चे छोटे छोटे हैं, सब स्कूल पहुँचाने में दूध लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए कोई यहाँ नहीं दिखाई देता, आता ही नहीं कोई। आंटी क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग के घर में? पानी बहुत भरा है, बहुत परेशान है हम लोग, एकदम से त्रस्त हो चुके हैं यहाँ से, एकदम से क्या समझ में नहीं आता। क्या सरकार जो है रोड बनाने के लिए जमीन ले लेती है, क्या जो है पंप हाउस बैठाने के लिए उनके पास नहीं व्यवस्था है कि पैसा देकर जमीन खरीद के वो पंप हाउस बैठा दें? आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, यही 30 साल से हो रहा है, 30 साल से यही समस्या हो रही है कि पंप हाउस बैठाएंगे तब हो जाएगा। भाई रोड बनाने के लिए आप जमीन खरीद लिए, ले लिए, जिसका जहाँ लेना था तोड़ के मकान रोड बना लिए, उसी तरीके से पंप हाउस आप बैठा दीजिए, किसी तरीके से लेकर के बैठा दिए, हम लोगों को इतनी समस्या ना हो। कितना हम लोग झेल रहे हैं पानी। ये थे जलवानपुरा के लोग जिसके घर में विगत 3 दिनों से 5 फीट की पानी, 5 फीट तक पानी अंदर घुस गया है, कीड़े का डर है, मलेरिया भी इन दिनों फैल रहा है। लेकिन फिलहाल अयोध्या नगर निगम अभी तक यहाँ पर देखने नहीं आया, बल्कि 2 ट्रैक्टर यहाँ पे संचालित कर रहा है जिससे लोग आ जा रहे हैं। अयोध्या से न्यूज 18 डिजिटल के लिए सर्वेश श्रीवास्तव।